तो ये देखिए हमने हल्दी पीस लिया है, ये हल्दी पीस गई। अब इसमें देखिए हल्के हल्के जो मोटा मोटा इसके अंदर जो ये है ना, ये क्यूब ऐसी होती है कोई हल्दी, हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए आज एक ऐसा काम लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, जैसे होते हैं ना आपने देखे होंगे बहुत मिलियंस में व्यूज होते हैं, कहीं पहुँच जाएंगे ये पोछा बनाने की, ये स्क्रबर बनाने का, ऐसे बहुत सारे बिजनेस आइडियाज वाले चैनल हैं, लेकिन वो आपको ले जाके एक ऐसी जगह खड़ा करते हैं जहाँ से जब आप पीछे मुड़ते हैं तो आपको कोई सामान नहीं मिलता ईजिली, आप भटकते रहेंगे इधर उधर, पैसा बहुत लोग डाल देते हैं, ये कर देते वो कर देते हैं, मुझे नहीं पता। आज मैं आप लोग को एक ऐसा काम बताऊँगा जो कम पैसे में आप घर से शुरू कर लेंगे, सिर्फ 30,000 रुपये आपके पास हैं, आप मसाले का बिजनेस करेंगे, वो भी एक मल्टीनेशनल कंपनी की तरह। कैसे करेंगे आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए सबसे पहले आपको ऐसा मिक्सर लेना, ये देखिए ये ढूंढ ढूंढ के मैं निकालता रहता हूँ आप लोगों के लिए कि कैसे आप लोग अगर पीसने के लिए आप लोगों को चाहिए पल्वेलाइज़र चाहिए, पल्वेलाइज़र बहुत महंगे आते हैं, अगर अच्छी क्वालिटी आप लेंगे बिल्कुल फाइन पाउडर जो पीसता है लगभग 22,000 का, 24,000 का, 25,000 का, और उसके साथ ये होता है कि दो बार तीन बार चार बार आपको हल एक बार टुकड़ा करेगा हल्दी का, फिर दोबारा टुकड़ा करेगा, फिर तिबारा, ऐसे तीन चार बार में हल्दी पीसती है। एक बार में पीसेंगे, कैसे पीसेंगे आपको दिखाता हूँ बिना किसी देरी के, क्योंकि वीडियो वैसे बहुत लंबी होगी, तो ज़्यादा बकवासबाजी नहीं करते हैं, सीधा शुरू करते हैं। देखिए इसके अंदर ये लगाएंगे हम सबसे पहले, ये जो इसके इसका लॉक है ये लग गया। अब इसमें देखिए चार लॉक हैं, ऐसे खोल लीजिए, ये भी खुलता है लेकिन इसको हम खोलेंगे नहीं, इसको ऐसे लगा के रखेंगे, इसको निकालिए और इसके अंदर हल्दी डालेंगे हम। बहुत जल्दी जल्दी मैं पूरा प्रोसेस समझाऊंगा आप लोगों को, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। देखिए इसको ऐसे बंद करिए, आप लोगों को पता है कि हल्दी में मॉइस्चर वॉइस्चर इतना नहीं होता है, हल्दी को रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, आप हल्दी की ऐसे ही पिसाई कर सकते हैं। ये हो गया हमारा, प्लग लगा हुआ है, हम ऑन करेंगे इसको, ऊपर से ऐसे हाथ रखेंगे और मशीन को कर देंगे बिल्कुल। तो ये देखिए हमने हल्दी पीस लिया है, ये हल्दी पीस गई। अब इसमें देखिए हल्के हल्के जो मोटा मोटा इसके अंदर जो ये है ना, ये क्यूब ऐसी होती है, कोई हल्दी काली होती है, कोई हल्दी टेढ़ी मेढ़ी होती है, ख़राब होती है, तो उन हल्दी के वजह से ये हल्दी के बीच में हल्के हल्के मोटे मोटे वो हो जाते हैं इसके अंदर, तो उसको अब बिल्कुल फाइन पाउडर बनाना है, तो आपको क्या करना है ये पार्टिकल्स निकालने हैं। तो अभी तो आपके पास इतना पैसा है नहीं, तो एक छन्ना लीजिए, जैसे आटा छानने वाला होता है इसी टाइप का, थोड़े मोती जाली में छन्ना लीजिए, मिल जाएगा आपको, उससे छान के फाइन पाउडर अलग करिए और इसका दरदरा पर अलग करिए, वो आप छान लोगे, देखिए जिसको करना है वो करेगा, जिसको नहीं करना वो आगे बढ़ जाएगा। मैं आप लोगों को सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ से शुरू करिए और एक ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन लेके रोल लगा के उसमें अपना काम शुरू करिए, बिल्कुल एक ब्रांड बन के, लेकिन शुरुआत ऐसे होगी। थोड़ा पैसा ऐसे मिक्सर ग्राइंडर, क्योंकि ये हैवी ड्यूटी है, इसके अंदर जो मोटर लगा हुआ है बहुत हैवी मोटर है, देखो आप ऐसे हिल भी नहीं रहा, इतना भारी है। उसके बाद आपको क्या करना, देखिए इस तरीके के रोल आपको रेडीमेड मदर स्क्रीन वगैरह मैंने पहले दिखा रखा है, आपको मिल जाएगा। इसको ऐसे इसके बाद छान लीजिए, उसके बाद ये वेट मशीन देखिए, यहाँ पे वेट मशीन है, इसको ऑन कर दीजिए। इस हल्दी के पैकेट में कितने ग्राम का है ये, 50 ग्राम, इसके अंदर 50 ग्राम फिल करिए, आप लोग छानने के बाद करेंगे, ठीक है। एक कटोरा वटोरा ले लेंगे अपना उसमें और उसके बाद करेंगे, ये देखिए अड़तालीस ग्राम, थोड़ा सा और डाल देते हैं, ये देखिए 50 ग्राम हो गया। और अब इसके बाद इसमें हम सील कर लेंगे, ठीक है। ये दोनों मशीन आपके पास है, देखिए ये वाला भी है और ये वाला भी है, चाहे तो ये ले लीजिए अगर आपके पास कम पैसा है तो, और थोड़ा ज़्यादा पैसा है तो ये ले लीजिए, ये लगभग 3,500 रुपये का ये मिल जाएगा आपको, और ये आपको मिल जाएगा मात्र 1,000 रुपये में, 1,200 रुपये में। इस पैसे लगाइए, ये देखिए 50 ग्राम हल्दी का पैकेट रेडी हो गया आपका। कौन सा मशीन लगा, ये ग्राइंडर ले लीजिए, छन्ने में से छान लीजिए हल्दी को, ये मशीन ले लीजिए। अब इसमें भी सील करके आपको दिखाता हूँ, थोड़ा गर्म हो जाए मशीन, ये यहाँ से हीट बढ़ा देते हैं, अभी 5 मिनट में गर्म हो जाएगा और ऐसे शुरू कर सकते हैं। एक वेट मशीन,
एक ग्राइंडर मिक्सर हैवी ड्यूटी वाला, एक ये मशीन और ये रैपर रेडीमेड। जब आप ले कर जाएंगे, ज़रूरी है क्या कि आप मॉल में ही बेचेंगे? अरे गली मोहल्ले ऐसी दुकानें जहाँ पे जो लेबर तबका खरीदने आते हैं उसको मतलब ही नहीं है कि आप खड़ा दे दो, तोल के दे दो, बांध के दे दो, कैसे भी दे दो, उनको कुछ नहीं लेना देना। तो उनको जब आप ये दोगे तो उनको क्या दिक्कत आएगी? क्वालिटी दोगे ना आप, अच्छे से छानोगे, पीसोगे, एकदम ऑर्गेनिक हल्दी होगी आपकी, तो दिक्कत क्या है? करना शुरू करिए। नहीं बिकेगा कोई बात नहीं, ये ग्राइंडर घर में, इसमें अपना मसाला पीस के खा लीजिएगा, ये आपके काम आएगा ना। ये बिरयानी बनती है उसका मसाला पीस लीजिएगा, कुछ भी कर सकते हैं आप। लेकिन जब आप मार्केट में जाओगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि ना बिके। ये ऐसे आप मिर्ची का लेके जाओगे, अभी धनिया भी पीस के दिखाऊंगा इसमें आपको, वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन उन लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है और फ़ायदेमंद है जो कम पैसे में मसाले का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। थोड़े पैसे हैं, मसाले का बिजनेस काम हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा आपका। अब देखिए ये मशीन अगर हीट हो गई है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक और फिल करते हैं। देखिए अब जैसे ये मदर्स क्वीन का है हमारा टर्मरिक का, कितने का ये? 100 ग्राम का ये, इसमें 100 ग्राम भरते हैं। देखिए हेलो, इसके अंदर हम भरेंगे 100 ग्राम। देखिए नीचे के साइड में बिल्कुल फाइन पाउडर है, लेकिन आप लोग छानना तो पड़ेगा, नहीं तो कोई एक बार खाएगा आपका हल्दी दोबारा भगाएगा आपको जल्दी जल्दी। तो इसलिए क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, एकदम आपको अच्छी क्वालिटी का लेके जाना है, भले ही कम पैसा कमाना है। आप लोगों को पता है कि जब घर पे जाता हूँ ना मैं तो कितनी गालियाँ सुनता हूँ, सारे कपड़े पीले काले। अब ये देखो आप जीन्स पीली हो गई, कितने टी शर्ट मेरे ख़राब हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, एक आध ज़िंदगी संवर जाए, 1000 टी शर्ट बर्बाद करने को तैयार हूँ मैं। बस आप लोग कर जाइए ये काम, इसको ऐसे लगाइए, सील कर दीजिए। ये 100 ग्राम का तैयार हो गया, ये 50 ग्राम का तैयार हो गया। क्या इसमें क्या हो रहा है? एक घंटे में 100 पैकेट तैयार कर लीजिए, मार्केट में लेके चले जाइए, 100 रुपये तो कमाएंगे। एक घंटे में 100 रुपये कमाते, 8 घंटे में 800। और सोच क्या रहे हैं आप? सोच के जब आप ऐसे बैठ के सोचेंगे क्या बोलेंगे? चाय बना के ले आओ, चाय में पैसा जा रहा है कि आ रहा है? समोसे ला के दे दो मुझे। ऐसे आप घर पर रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो खाते पीते रहेंगे, और बाहर जाएंगे तो कमाते रहेंगे। ऐसा करना शुरू करिए। देखिए इसमें हमने वेट किया है 101 ग्राम, क्योंकि रैपर का भी वेट होगा। ये देखिए ये 50 ग्राम। तो इस तरीके से आप जा सकते हैं लेके। आइए अब उसमें सील करके देखते हैं मोटे वाले में कि क्या इम्प्रेशन उसमें आता है। दोबारा से इसमें भरते हैं 100 ग्राम। ये मैंने अखबार इसलिए बिछाया ना कि कालीन बिल्कुल हो जाएगा विप ग्योर, सारे कलर आ जाएंगे कालीन पे। देखिए वेट नहीं कर रहा, ऐसे इसको सील कर रहा हूँ। ठीक है, इस पैसे लगाइए और इसे सील कर दीजिए। ये देखिए ये चौड़ा इंप्रेशन आ गया। अब थोड़ा ब्रांडेड कंपनी चाहिए, इस तरीके से सील कर लीजिए। तो ये सारे काम आप लोग कर सकते हैं। देखिए कितना ईजिली सील हुआ है, आप देख लीजिए कितना बढ़िया इंप्रेशन आ रहा है। तो ये सब काम आप लोग को खुद करने होंगे। अब जाइए हल्दी को बाहर निकाल देते हैं। तो देखिए अभी हमने आपको दिखाया हल्दी पीस के, अब हम पीसेंगे धनिया। ठीक है, आइए पीसते हैं। देखिए ये हमने धनिया मंगाया है, इसके अंदर हम डालेंगे ये धनिया। ये देखिए ये डल गया धनिया। आइए इसको ऐसे लगाएंगे, चारों तरफ से लॉक करेंगे। आइए जरा देखते हैं इतने देर में क्या लुक बन के आया है धनिया का। ये देखिए ये हो गया धनिया पाउडर। अब इसके ऊपर जो छिलका है, इस छिलके को अलग करने के लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए एक शिफ्टर मशीन ले सकते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं तो, कि अच्छा ब्रांड बन के अगर मार्केट में, या शिफ्टर मशीन सब कुछ मिल जाता है, 15,000 का, 18,000 का, 20,000 का मार्केट में मिल जाएगा। छन्ना लेना चाहें छन्ने से, आपको जुगाड़ खुद देखना है। देख रहे हैं आप कितना ईजिली बनाया। अब क्या करना है हमें, ऐसे धनिया पाउडर का रैपर लेना है, जैसे ये है ना कोरिएंडर पाउडर, कितना ग्राम है? 50 ग्राम है। आइए इसके अंदर 50 ग्राम भरते हैं और फिर इसको सील करते हैं। ये देखिए
बिल्कुल 50 ग्राम ही भरा है मैंने, सीलिंग मशीन में से सील कर देंगे। ये हो गया देखिए, ये हल्दी, ये धनिया, और ये हमारे पास मिर्ची पाउडर का भी है, और हमारे पास ये मिर्ची भी है। लेकिन देखिए मिर्ची के साथ ये होता है कि ये बहुत लगता है। अब इसको पीसूंगा ना मैं, हालत ख़राब हो जाएगी मेरी, तो मैं पहले इसको रोस्ट करूंगा, मतलब आने वाले किसी वीडियो में रोस्ट करके पीस के आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत मॉइस्चर होता है। अगर ऐसे पीसूंगा ये चिपक जाएगा। एक दिखा देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा हल्दी पीस के, मिर्च पीस के दिखा देता हूँ। देखो आप लोग के लिए ये भी कोई बात नहीं होगा, जो देखा जाएगा, आँख में लगेगा, मुँह में लगेगा, लगने दो। थोड़ा सा पीसते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। लेकिन इससे, इसको पीसने से पहले आप एक बड़ा कढ़ाहा ले लीजिए, उसमें हल्का सा रोस्ट कर दीजिए ताकि इसका मॉइस्चर निकल जाए, ताकि जब आप पीसोगे ना तो फाइन पाउडर बनेगा। आइए बिना रोस्ट किए देखते हैं कि कैसा आता है। ये भी एक यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए आप मिर्ची को भी डालते हैं इसके अंदर। ये देखिए ये हमारा मिर्ची है, थोड़ा सा ही डालता हूँ, ज़्यादा नहीं डालूँगा, ठीक है। ये डाल दिया और अब करेंगे इसकी पिसाई। ये लगाएंगे इस पर ढकना और शुरू करते हैं। देखो ये मिर्ची पीस लिया मैंने, और पीसते देखो क्या हालत होने वाली है। अभी खोल के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। इसलिए नहीं पीस रहा था भाई ये। देख लो आप लोग, मिर्ची को मैं पैक करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। आपको मैंने हल्दी दिखा दिया, धनिया दिखा दिया। अब अगर आप लोग को ये प्लांट लेना है, स्टार्ट करना है, बहुत आसानी से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक डिस्क्लेमर लगा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें हैं आप लोगों की। अगर आप लोगों के पास समय रहा करे, तभी आप लोग किस कोई भी कैंडी मंगाना हो, चॉकलेट मंगाना हो, जो भी 15-20 दिन, एक महीने का टाइम हो, तभी मंगाया करिए आप लोग। अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम लगता है, बहुत सारे और काम होते हैं। एक दो लोगों का कॉल नहीं आता, एक दिन में कम से कम 5,000 लोगों का। इतने सारे लोगों को रिप्लाई कर देना, 5 लड़के बिठा रखे, इनको सैलरी कौन देगा? तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा समझा करो आप लोग। पूरे इंडिया के कोने कोने में भी आने वाले टाइम पे ना मैं खुद पहुंचूंगा आप लोग के घरों तक। आप लोग को यहां तक आने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग समर्थन देते रहिए, जिस तरीके से दिखा रहे हैं, प्यार बनाए रखिए अपना। आप लोग ये पूरा प्लांट आप लोग का स्टार्ट करा देंगे। एक ग्राइंड मिक्सर लेना है, सीलिंग मशीन लेनी है, इस तरीके का रैपर आप लोगों को दिला दूंगा, जितने भी चाहिए आपको, हल्दी का, मिर्ची का, धनिया का। ये देखिए आप सारे रैपर मिल जाएंगे किलो के हिसाब से, ये सब मिलेगा आपको। ये सीलिंग मशीन है, हल्दी आपको मैंने पीस के दिखाया, धनिया पीस के दिखाया। ऐसे आप लोग घर में स्टार्ट कर सकते हैं। और जाते जाते एक अंतिम बात बताता हूँ आप लोगों को, जिनको गर्म मसाला, जो आसाम से आए थे उन्होंने अपना गर्म मसाला बनाया था, ये मिक्सर के साथ आप लोग गर्म मसाला बना सकते हैं। काली मिर्च पीसिए, लौंग पीसिए, अजवाइन, जितने भी पीस चीज़ को पीस के मिक्स करके खुद पकाइए, एक नया मसाला इन्वेंट कर दीजिए। अगर आपका कोई मसाला चल गया मार्केट में, ये छोटा सा मिक्सर कब कई हज़ार गुना बड़ा पल्वेलाइजर में तब्दील हो जाएगा आपको पता तक नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ से कदम उठाना पड़ेगा आपको। मिलेंगे फिर ऐसे किसी में, तब तक के लिए, अभी मिर्चा ऐसे भी नहीं कर सकता मैं। अल्लाह हाफिज़।